Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the poet Mulk Raj Anand of the chapter The Three Vows. After this video, I will explain the chapters in other parts of the videos. तो मुल्क राज आनंद का जन्म 1906 में हुआ था और इनका डेथ 2004 में हुआ था. मीन्स कम्प्लीटली 98 ईयर्स इनकी जो है टोटल एज थी. इंटरनेशनली नॉन नॉवलिस्ट या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में जाने माने हुए जो है उपन्यासकार थे एंड एन आर्ट क्रिटिक और साठ में आर्ट के विवेचक भी थे क्रिटिक भी थे. बिगेन हिज कैरियर एज ए राइटर ऑफ फिक्शन इन साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी. उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक फिक्शन ऑफ राइटर के रूप में किए साबरमती आश्रम में जो महात्मा गांधी के हैं. फिक्शन क्या होती है? जो झूठी कथा होती है जो हम बना के लिखते हैं जो सच में नहीं होती है. वेयर ही ड्राफ्टेड हिज फर्स्ट नॉवल. मीन्स महात्मा गांधी के साबरमती ही आश्रम थे जहां पे उन्होंने पहला नॉवल जो है तैयार किया. ड्राफ्ट मीन्स तैयार करना, जिसका नाम है द अनटचेबल. ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स, मतलब 40 बुक्स से ऊपर के ये ऑथर रह चुके थे. ही वॉज ऑल्टरनेटिवली इंगेज्ड इन टीचिंग राइटिंग एंड जर्नलिज्म. लेकिन उनका एक और विकल्प वर्क था जिसमें वो लगे रहते थे लिखने के अलावा, वो काम था टीचिंग का, राइटिंग का और जर्नलिज्म का, मतलब पत्रकारिता. टीचिंग और राइटिंग तो जानते ही है. आनंद इज नॉन फॉर हिज इनोवेटिवनेस. आनंद को जो है एक नई नई चीज़ का आविष्कार या उसको लिखने में उनको जाना जाता है. वो नई नई चीज़ों की जो है अन्वेषण करते रहते थे, इनोवेट करते रहते थे. एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच टू द नॉवल फॉर्म, और नॉवल फॉर्म में वो ओरिजिनलिटी का ज़्यादातर प्रयोग करते थे. हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड कुलीज, द अनटचेबल एंड टू लीव्स ऑफ ए बट. उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है उसमें कुलीज हैं, द अनटचेबल है, टू लीव्स ऑफ ए बट है, द थ्री वोज है, ये फर्स्ट सीन है, लिटल प्लेस ऑफ महात्मा गांधी के जो फर्स्ट सीन है वो उसमें थ्री वोज जो है ये आते हैं. विच इज़ अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बिग नॉवल, और जो कि एक साथ जो है उनके बहुत बड़े जो नॉवल है जिसका नाम है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, उसके पहला पार्ट है. आनंद हियर रिवील्स द महात्मा सेंट पॉलिटिशियन. आनंद जो है इसमें महात्मा को एक सेंट पॉलिटिशियन के नाम से स्पष्ट करते हैं या बताते हैं. एज एन इमीडिएट ह्यूमन बींग, साथ में एक ह्यूमन बींग का भी नाम लेते हैं कि एक बहुत ही अच्छे खासे जो है वो ह्यूमन बींग भी है. ऑफ अर्थ अर्थी, जो धरती पे रहने वाले हैं, जो धरती से जिनको ज़्यादा लगाव है, अर्थ अर्थी. विद हिज हेड रेस्ट टू द स्काई, मतलब अर्थ पे बैठे हुए उनका जो सोच है बहुत ऊपर तक रहता है, वो काफ़ी ऊपर सोचते हैं. द एक्सर्ट ऑल्सो लेस एम्फोसिस, एक्सर्ट का मतलब जो छोटा खंड होता है, छोटा भाग होता है, ये उन चीज़ों के ऊपर भी जोर डालती है या एम्फोसिस करती है. ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन टू एनश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ, मीन्स उन सारे इम्पॉर्टेंस पे जिसमें कि हमें लाइफ में किस तरीके से डिसिप्लिन को इंश्योर करें और उसके लिए कैसे रूटीन बनाएं, उसको कैसे फॉलो करें, तो इनके लिए भी उनकी एक्सर्ट जो है वो एम्फोसिस करती है. अभी एक्सर्ट क्या होता है, किसी भी स्टोरी या किसी भी नॉवेल का एक छोटा सा भाग होता है जिससे कि एक्सर्ट कही जाती है.